गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नमस्कार बेटे। आज हम जो है क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लास अपनी कौन सी है, बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी अपन कर रहे हैं। और इसमें पेपर अपन ने कौन सा स्टार्ट किया है, पेपर जो है पेपर थर्ड हमने स्टार्ट किया है। और पेपर थर्ड कौन सा है, प्लांट टैक्सोनॉमी और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का। कल हमने जो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट स्टार्ट किया था, और उसका पहला टॉपिक याद है आपको बेटे, पहला टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था, और उसका नाम क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। यानी कल जो पेपर हमने स्टार्ट किया था उसमें पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, पराग कोष की संरचना। तो देखो, पराग कोष की संरचना का डायग्राम कल अपन ने बनाया था, और पराग कोष के डेवलपमेंट के डायग्राम भी बनाए थे। ठीक है, तो पराग कोष की संरचना के साथ साथ अपन पराग कोष का डेवलपमेंट भी पढ़ते हैं। तो पराग कोष का डेवलपमेंट कैसे होगा ये भी हमें जानकारी चाहिए। तो देखो, एंथर की संरचना तो हम डायग्राम तो हमने कल बनाया था, और जो बालक जैसे कल की क्लास जो अटेंड नहीं कर पाए हैं वो कल का वीडियो देखकर एक बार उसको पढ़ें, फिर कोई दिक्कत रहेगी तो आगे अपन चर्चा करेंगे। तो एंथर की जो संरचना है इसका डायग्राम हमने बनाया था, लेकिन इसका डायग्राम हम वापस फिर बनाएंगे। पर उससे पहले पराग कोष का डेवलपमेंट कैसे हुआ इसको हम दोबारा से समझ रहे हैं, और एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बेटा, तो एंथर जो है उसका विकास कैसे होता है बेटा। तो एंथर का विकास जो है हेडिंग लिखेंगे और उसका चार्ट बनाएंगे पहले, यानी पराग कोष का विकास। संरचना हम लेंगे लेकिन पहले डेवलपमेंट से शुरू होगी बात, यानी डेवलपमेंट के बाद में फिर संरचना अपन लेंगे। तो देखो, ध्यान दो इधर, कल हमने जो डायग्राम बनाए थे आपने पढ़ा होगा उस वीडियो में, लेक्चर में, उसमें हमने क्या लिखा था, अविभेदित पराग कोष। यानी पराग कोष का विकास किससे होता है, अविभेदित पराग कोष से। और ये अविभेदित पराग कोष कौन सा है, जैसे मान लो ये दोबारा डायग्राम में बना देता हूं, और इसके माध्यम से भी आप समझ लो और चार्ट भी अपन समझ लेंगे। ये बाहर की तरफ जो परत है ये है एपिडर्मल इनिशियल्स, यानी कि इससे एपिडर्मिस का निर्माण होगा। और इसके अंदर की तरफ जो परत है, ये जो परत है अंदर की तरफ, इसके चार समूह, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये चार समूह जो है ये हाइपोडर्मल, किसका, हाइपोडर्मल सेल्स का समूह होता है, और इस समूह से ही बीजाणुधानी का विकास होता है। तो यानी चार्ट में अगर हम ये देखें, इस अविभेदित पराग कोष के दो भाग बनाए अपन। देखो इधर ध्यान दो, आप अपने मोबाइल के बोर्ड पर या मेरे बोर्ड पर, जैसे भी आप समझ सकते हो, मैं ये तो कहूंगा कि भाई बोर्ड पर देखो, तो मेरा बोर्ड पर देखने का मतलब ये है कि आपका मोबाइल में ध्यान होना चाहिए। ये अविभेदित पराग कोष है, इसमें बाहर की तरफ कौन सी परत है, वो एपिडर्मल इनिशियल, एपिडर्मल इनिशियल, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक, प्रारंभक कोशिकाएं होती हैं, यानी जो एपिडर्मिस को बनाएगी आगे जाकर। आप ध्यान दो,
इस एपिडर्मल इनिशियल जो सेल है इनकी जो परत है इसमें विभाजन कैसा होगा? कल हमने डायग्राम में बताया था कैसा विभाजन, अपनत, अपनत विभाजन होगा। और अपनत विभाजन से क्या होता है, अपनत विभाजन में परत तो एक ही रहेगी पर इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो घेरा बढ़ जाएगा, यानी कि इतना गोला जो है और बड़ा गोला बन जाएगा, ये यूं और बड़े में बन जाएगा। यानी कि यूं समझ लो एक गोला है 10 ईंट का और उस 10 ईंट से 10 और नई ईंट बन जाए तो गोले गोले में कितनी ईंट हो गई, 20 ईंट। तो ईंट जो है वो एंड टू एंड जुड़ जाए, ईंट जो है वो कैसे जुड़ेगी, एंड टू एंड, यानी एक छोर से दूसरा छोर जुड़ेगा एंड का। तो ऐसी सिचुएशन में एंड टू एंड कोई विभाजन होगा तो वो कहलाएगा अपनत विभाजन। और एपिडर्मल प्रारंभक कोशिकाओं से अपनत विभाजन के द्वारा किसका निर्माण हुआ बेटा, एपिडर्मिस परत का, बाह्य परत का निर्माण हुआ। तो ये एपिडर्मिस की परत क्या कहलाती है, एपिडर्मिस की जो परत है ये एंथर का आवरण कहलाती है। यानी एपिडर्मिस परत से क्या बना, पराग कोश आवरण बनता है। क्या बनता है, पराग कोश आवरण बनता है। तो पराग कोश का आवरण किससे बना, एपिडर्मल प्रारंभिक कोशिकाओं से, जो अविभेदित एंथर में कहां है बेटा, सबसे बाहरी परत की कोशिकाएं हैं। क्या है, सबसे बाहरी परत की कोशिकाएं हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपन देखो, इधर ध्यान दो, तो एपिडर्मिस की कोशिकाएं जो हैं, जैसे एक कोशिका से दूसरी बनी, दूसरी से अगली बनी, यानी 2 से 4, 4 से 8 यू बनती है। तो पहले अगर मान लो 10 कोशिका का घेरा हुआ तो पहले विभाजन में ही 20 कोशिका का घेरा हो जाएगा और दूसरे विभाजन में ही 40 कोशिका का घेरा हो जाएगा, मतलब पराग कोश का आवरण पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो ये तो बात हुई किसकी, एपिडर्मल प्रारंभिक कोशिका की। ठीक है बेटा, बढ़े आगे, अब अंदर की बात करते हैं। अंदर जो चार जगह के चार समूह है, ये चार समूह, इधर ध्यान दो इस गोले पर, ये चार समूह चूंकि एपिडर्मिस के अंदर की तरफ हैं, आपको पता होगा बेटा एपिडर्मिस के अंदर की तरफ की जो परत होती है वो कहलाती है हाइपोडर्मल अधस त्वचा। यानी कि एपिडर्मिस के अंदर की जो परत है वो कहलाती है हाइपोडर्मल लेयर। तो ये एपिडर्मल हो गई बाहर, ये तो बाह्य हो गई। अब इसके अंदर ये, यानी आंतरिक, यानी जो आंतरिक भाग में चार जगह हैं, ये है हाइपो डर्मल सेल्स। यानी ये हाइपोडर्मल सेल्स जो है ये अकेली नहीं है, समूह में है। हाइपोडर्मल सेल्स का क्या है, समूह। यानी हाइपोडर्मल सेल्स से लघु बीजाणु धानी का विकास होगा। तो बेटा देखो, कल भी हमने कहा था आपको, अगर किसी बीजाणु धानी का विकास कोशिकाओं के पूरे समूह से हो, समझ रहे मेरी बात, अगर किसी बीजाणु धानी का विकास प्रारंभिक कोशिकाओं के समूह से होता है तो ऐसे विकास के क्रम को यूस्पोरेंजिएट प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं, यूस्पोरेंजिएट प्रकार। यानी कि बीजाणु धानियों के विकास दो प्रकार के होते हैं बेटा, क्या होते हैं, बीजाणु धानियों के विकास दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार कहलाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार, इधर लिख देता हूं मैं, लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार। और ये लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार तो आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा,
लेप्टोस्पोरेंजियट प्रकार के बीजाणुधानी विकास टेरिडोफाइट्स में होता है। किसमें होता है? टेरिडोफाइट्स में। ठीक है बेटा, तो वो कैसा है? अगर किसी बीजाणुधानी का विकास केवल एक ही प्रारंभिक कोशिका से हो, क्या कहेंगे? यदि संपूर्ण बीजाणुधानी का विकास एक ही प्रारंभिक कोशिका से होता है तो कहेंगे लेप्टोस्पोरेंजियट प्रकार। और इसका उदाहरण क्या हुआ? टेरिडोफाइट्स। तो ये तो पुरानी बात हो गई, यानी सेकेंड ईयर की। अब आगे का विकास का क्रम क्या है कि हम जो टेरिडोफाइट्स के बाद में बात करते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म की, रावृत बीजियों की, यानी एंजियोस्पर्म की बात हम करते हैं, तो एंजियोस्पर्म में बीजाणुधानी का विकास किससे हो रहा है? हाइपोडर्मल कोशिकाओं के समूह से। और जब कोशिकाओं के समूह से विकास होता है तो वो कहलाता है यूस्पोरेंजियट प्रकार, जो अभी अपन लिखवाएंगे, यूस्पोरेंजियट प्रकार। ये आवृत बीजियों में होता है। तो बीजाणुधानियों के विकास दो प्रकार के हो गए बेटा, एक तो लेप्टोस्पोरेंजियट प्रकार का और एक यूस्पोरेंजियट प्रकार का। ठीक है, अब अपन वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि ये जो हाइपोडर्मल कोशिकाएं हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको प्रपशु कोशिकाएं भी कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। हाइपोडर्मल कोशिकाओं को क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। अब ध्यान दो, इन आर्किस्पोरियल सेल्स में पहला विभाजन होगा, वो होगा परिणत। पहला विभाजन कैसा हुआ? परिणत विभाजन। और आपको कल बताया था मैंने कि एक अंदर की तरफ परत बनेगी और एक बाहर की तरफ। देखो मैं यहां बना रहा हूं, इधर इसको हटा के अब इसमें यहां बनाता हूं। ये टाइप जो है आगे अपन लिख देंगे। तो अगर इसका एक कोणा ले लेते हैं, एक वाला हिस्सा ले लेते हैं, ये वाला, तो इसमें बाहर की तरफ जो परत बन रही है वो तो क्या बन रही है? एपिडर्मिस की। ये तो बन गई एपिडर्मिस की। और अंदर की जो परत है ये दो परतों में बट गई, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। तो बाहर वाली परत तो ये है, ये बाह्य परत, यानी प्रपशु कोशिकाओं में जो बाहर की तरफ परत बनती है उसको कहते हैं प्राथमिक भित्ति परत। क्या कहते हैं? प्राथमिक भित्ति परत। और इसी प्रपशु कोशिका से ये अंदर की तरफ परत बनी, इसको कहते हैं प्राथमिक, ये आंतरिक है, आंतरिक परत बनती है। और आंतरिक परत को क्या कहते हैं? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। तो अंदर की तरफ क्या बनी? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका परत, यानी कि ये सेकेंड वाली। और बाहर वाली बन गई प्राथमिक भित्ति परत, जो कल भी हमने बताया था। अब फिर वापस ध्यान दो, देखो इधर वापस, अभी आपकी निगाह केवल बोर्ड पे, यानी मोबाइल के बोर्ड पे चिपकी रहनी चाहिए तो ये चीजें समझ में आएगी अपन को, फिर मैं लिखवाऊंगा भी सही आपको, है ना। तो देखो ध्यान दो इधर, अविभेदित पराग कोष के दो हिस्से हो गए, बाहर वाली परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मल इनिशियल, और अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल सेल्स का समूह। तो हाइपोडर्मल सेल्स के समूह चार कोणों में चार होंगे, प्रत्येक कोने में यही क्रिया होगी। एपिडर्मल प्रारंभिक कोशिका का जो हिस्सा है इसमें अपनत विभाजन से बन गई एपिडर्मिस। अब आ जाओ इस हाइपोडर्मल ग्रुप पर, हाइपोडर्मल ग्रुप की जो कोशिकाएं हैं इनमें हो गया परिणत विभाजन, बाहर की तरफ एक परत बनी और एक अंदर की तरफ बनी। अब इधर देखो, जो बाहर की तरफ परत बनी इसमें देखो, ध्यान दो, इसमें फिर से दो परिणत विभाजन होंगे। कितने? दो, दो परिणत विभाजन होंगे। ठीक है बेटा, अब दो परिणत विभाजन का मतलब हो गई परतें चार। देखो पहले विभाजन से दो बन गई, दूसरे विभाजन से हो गई चार, ये चार परत बन गई।
पहले विभाजन से ये हो गई बाहर वाली और ये अंदर वाली, और ये यानी दो विभाजन से चार। कैसे? पहले विभाजन से यानी एक परत से दो परत बनी और दूसरे विभाजन से दो परत से चार परत। देखो कैसे, ये परत जो है इसमें बाहर वाली जो परत है ये तो हो गई एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के अंदर की तरफ एक दो तीन और ये चार परत बनती है, बाहर से एक दो तीन और चार, और फिर अंदर की तरफ रहेगी ये बीजाणु जनक ऊतक की परत। तो बीजाणु जनक ऊतक की परत अंदर ही अंदर की तरफ होगी। तो ये चार प्रकार की भित्ति परतें बनी, कौन कौन सी? इधर देखो चार्ट में, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। अब बताओ कि सबसे बाहर वाली भित्ति परत यानी भित्ति परतें कितने प्रकार की? चार। इसमें सबसे बाहर वाली से क्या बनेगी? सबसे बाहर वाली से बनी एंडोथीसियम, कल नाम आया था एंडोथीसियम का। दूसरी और तीसरी परत से क्या बनेगी? मिडिल लेयर्स, कल नाम आया था मिडिल लेयर्स का, मध्य परतों का जिनकी संख्या दो से तीन होती है। और चौथी परत से किसका निर्माण हुआ? एपिटम का। इस तरीके से बीजाणुधानी भित्ति की तीन प्रकार की परतें बनी, कौन कौन सी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये तीन प्रकार की परतें हमने कल बनाई थी डायग्राम में। देखो इधर, इसमें और मैं बनाता हूं। देखो ये सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, ये एक नंबर वाली कहलाएगी एंडोथीसियम, दूसरे और तीसरे नंबर वाली कहलाएगी मिडिल लेयर्स, और चौथे नंबर की कहलाएगी टैपिटम यानी सबसे अंदर वाली टैपिटम। तो बाहर से अंदर की तरफ परतों का क्रम क्या हो गया? देखो सबसे बाहर एपिडर्मिस आ गई, पर वो बीजाणुधानी भित्ति परत का हिस्सा नहीं है। सबसे बाहर कौन सी परत? एपिडर्मिस, पर बीजाणुधानी भित्ति परत का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये प्राथमिक भित्ति परत बनी। इसमें पहला परिणत विभाजन हुआ तो इससे क्या बना? बाह्य भित्ति परत, और अंदर वाली भी आंतरिक भित्ति परत कहलाएगी, आंतरिक भित्ति परत। और फिर इन दोनों में एक एक और विभाजन हो गया तो एक दो तीन चार हो गए। चार परतों के क्या क्या विकास हुआ किन किन का? इससे एंडोथीसियम, इससे मिडिल लेयर और इससे टैपिटम। अब आ जाओ सबसे अंदर की यानी प्राथमिक बीजाणुजनक ऊतक कोशिकाओं का समूह। तो ये वाला सबसे अंदर, ये बीजाणुजनक ऊतक कोशिका, इसमें क्या होता है? इसमें सीधा ही समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन यानी कोई परत नहीं बनती है, समूह बनता है इसमें, और इससे बन गया बीजाणु, बीजाणु जनक ऊतक। पर कैसा? नर वाला है, इसलिए नर वाले को क्या कहेंगे? लघु। तो ध्यान दो बेटा, वापस आप सब लोग ध्यान देंगे बेटा, क्या नाम है? सूरज, राजेश, मोनिका, अभिषेक, सब इधर ध्यान दो बेटा। ये अविभेदित पराग कोश है, बाहरी परत कौन सी बनी? एपिडर्मिस प्रारंभिक कोशिका की। इसमें अपनत विभाजन से किसका निर्माण हुआ? एपिडर्मिस परत का, जो सबसे बाहर की तरफ होती, यानी कि वो सबसे बाहर। फिर अंदर वाले जो ये समूह हैं, ये है हाइपोडर्मल। ये कौन से हैं? हाइपोडर्मल। इन हाइपोडर्मल कोशिकाओं के समूह को प्रपशु कोशिका समूह भी कहते हैं। प्रपशु कोशिका को अंग्रेजी में अगर आप याद करो तो आर्की, आर्की स्पोरियल सेल कहते हैं। अब आर्की स्पोरियल सेल में पहला विभाजन भी परिणत होगा, तो पहले परिणत विभाजन से बाहर की तरफ क्या बनी? प्राथमिक भित्ति परत कोशिकाएं, और अंदर की तरफ क्या बनी? प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिकाओं का समूह बन गया। ठीक है बेटा,
अब बाहरी जो प्राथमिक भित्ति परत कोशिकाएं हैं इनमें होगा दो परिणत विभाजन, पहले विभाजन से दो और दो से हो गई चार। इनके नाम देओ तो ठीक, नहीं देओ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे हम चार परत बना सकते हैं। सबसे बाहरी परत से विकास किसका? एंडोथीसियम का। फिर किसका दूसरी और तीसरी परत से किसका? मिडिल लेयर का। चौथी परत से किसका विकास? टेपिटम का। इस तरीके से चार प्रकार की परतों का जो निर्माण हुआ उनसे तीन प्रकार की भित्ति परतें बन गई। और अंदर ही अंदर क्या है? आंतरिक बीजाणुजनक कोशिका जो है उनसे क्या बनता है? लघु बीजाणुजनक ऊतक। इस तरीके से एक प्रारूपिक बीजाणुधानी का पराग कोष का विकास होता है। अब आप इसको पहले उतार लो, इसको यहां से पराग कोष का विकास, पराग कोष का विकास हेडिंग डालेंगे आप, और पराग कोष के विकास में ये चार्ट बनाएंगे, और चार्ट के साथ में ये इधर डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको बनाओ आप और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई भूल चूक रहे तो फिर बाद में चेक कर सकते हैं अपन स्क्रीनशॉट से। वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास है ही, तो इसको आप जो है बनाओ एक बार। हाँ भाई, बना लिया तो बेटा कोई कमेंट्स के थ्रू इंडिकेट कर दो कि हाँ सर बना लिया। ठीक है, तो अब अपन इसमें लिखेंगे एंथर के विकास का जो है क्रम लिखेंगे। लिखिए प्रारूपिक एंथर का विकास, प्रारूपिक एंथर यानी पराग कोष का विकास अविभेदित पराग कोष से होता है, अविभेदित पराग कोष से होता है। अगला पॉइंट, अविभेदित पराग कोष एक पिंडनुमा संरचना होती है, अविभेदित पराग कोष एक पिंडनुमा संरचना होती है। ठीक है, इसमें सबसे बाहरी
परत की कोशिकाओं को अविभेदित पराग कोष में, अगला पॉइंट लिखेंगे, अविभेदित पराग कोष में बाहरी परत कोशिकाओं को एपिडर्मल इनिशियल्स कहते हैं। एपिडर्मल प्रारंभक कोशिकाएं कहते हैं, एपिडर्मल प्रारंभक कोशिकाएं कहते हैं। अगला पॉइंट, एपिडर्मल इनिशियल सेल्स में, एपिडर्मिस इनिशियल सेल्स में अपनत विभाजन से, अपनत विभाजन से एपिडर्मिस, अपनत विभाजन से एपिडर्मिस परत का निर्माण होता है। एपिडर्मिस परत का निर्माण होता है, अर्थात पराग कोष आवरण बनता है, पराग कोष आवरण बनता है, पराग कोष आवरण बनता है। तो ये तो हो गया बेटा एपिडर्मिस का विकास, यानी जो सबसे बाहर की परत है उसका विकास इस तरीके से हुआ। अब हम लेते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे अविभेदित पराग कोष की, अविभेदित पराग कोष के आंतरिक भाग में हाइपोडर्मल कोशिकाओं के चार समूह, हाइपोडर्मल कोशिकाओं के चार समूह पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, हाइपोडर्मल कोशिकाओं के समूह को, हाइपोडर्मल कोशिकाओं के समूह को प्रपशु कोशिका समूह भी कहते हैं, आर्की स्पोरियल सेल। ठीक है, नोट लिखेंगे, आवृत बीजी पादपों में, नोट लिखेंगे, आवृत बीजी पादपों में बीजाणु धानियों का विकास, आवृत बीजी पादपों में बीजाणु धानियों का विकास यू स्पोरेंजियट प्रकार का होता है। यहां लिख रहा हूं यू स्पोरेंजियट प्रकार का होता है, इसका मीनिंग भी लिख दो, यू स्पोरेंजियट प्रकार का होता है, अर्थात आवृत बीजियों में बीजाणु धानी का विकास, मीनिंग लिखो, अर्थात आवृत बीजियों में बीजाणु धानी का विकास प्रपशु कोशिकाओं के समूह से होता है, प्रपशु कोशिकाओं के समूह से होता है, अतः इसे यू स्पोरेंजियट प्रकार का विकास कहते हैं, अतः इसे यू स्पोरेंजियट प्रकार का विकास कहते हैं। तो यू स्पोरेंजियट प्रकार के डेवलपमेंट का क्या मीनिंग हुआ भाई, इसका आपको शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं। आपको क्या पूछेंगे, आधे नंबर का जो 20 वर्ड के क्वेश्चन आते हैं ना उसमें ये पूछ सकते हैं यू स्पोरेंजियट डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है, यू स्पोरेंजियट प्रकार के
डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है। तो यूज फॉर एनजीएट का मीनिंग क्या समझाएंगे आप, क्या लिखेंगे? जब बीजाणु धानियों का विकास एक से अधिक प्रकार के एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं से होता है। यूज फॉर एनजीएट का क्या मीनिंग बताएंगे? जब बीजाणु धानी का विकास एक से अधिक प्रपशु कोशिकाओं से या इनके समूह से होता है तो उसे यूज फॉर एनजीएट प्रकार कहते हैं। और उदाहरण दे देंगे आवृत बीजी। तो यूज फॉर एनजीएट का मीनिंग समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। तो देखो एंथर के विकास में तो एपिडर्मिस भी शामिल है, लेकिन बीजाणु धानियों के विकास में और बीजाणु धानी की संरचना में एपिडर्मिस शामिल नहीं है। तो बीजाणु धानी का विकास तो किससे हुआ? प्रपशु कोशिकाओं के समूह से। तो आगे लिखो पॉइंट, प्रपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है। प्रपशु कोशिकाओं में क्या होता है? परिणत विभाजन होता है जिसके द्वारा बाहर एवं अंदर की ओर दो परतें बनती हैं। प्रपशु कोशिकाओं में परिणत विभाजन से, देखो ये प्रपशु कोशिका, ये परिणत विभाजन, ये बाह्य परत, ये आंतरिक परत। तो प्रपशु कोशिकाओं में, हाइपोडर्मल कोशिकाओं में परिणत विभाजन से बाह्य तथा आंतरिक परत बनती है। ठीक है, आगे का पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, बाह्य परत को क्या कहेंगे? प्राथमिक भित्ति परत कहते हैं। बाह्य परत को प्राथमिक भित्ति परत कहते हैं और इससे बीजाणु धानी भित्ति परतें बनती हैं। क्या लिखेंगे? बाह्य परत को प्राथमिक भित्ति परत कहते हैं और इससे बीजाणु धानी भित्ति परतें बनती हैं। कैसे बनती है भाई? तो देखो अगला पॉइंट बना के लिखेंगे, बाह्य परत में अर्थात प्राथमिक भित्ति परत में, प्राथमिक भित्ति परत में दो परिणत विभाजन होते हैं। अर्थात पहले विभाजन से दो परतें, पहले विभाजन से दो भित्ति परतें बाह्य और आंतरिक, और दूसरे विभाजन से चार परतों का निर्माण होता है। पहले विभाजन से दो भित्ति परतें लिखा आपने और दूसरे विभाजन से चार भित्ति परतें बनती हैं। ठीक है, अब इनमें से चारों को अलग अलग से एक एक लाइन और लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अगला बिंदु, सबसे बाहरी भित्ति परत से एंडोथीसियम का विकास होता है। सबसे बाहरी भित्ति परत से किसका विकास होता है? एंडोथीसियम का। ठीक है, और एंडोथीसियम क्या है? बाह्य भित्ति परत। अगला पॉइंट लिखिए, मध्य दो परतों से दूसरी और तीसरी परत से, मध्य परतों का निर्माण, मिडिल लेयर्स का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा अगला बिंदु, सबसे आंतरिक भित्ति परत अर्थात चतुर्थ भित्ति परत से, सबसे आंतरिक भित्ति परत अर्थात चतुर्थ भित्ति परत से टैपीटम परत का निर्माण होता है। किसका? टैपीटम परत का निर्माण होता है। ये टैपीटम, टैपीटम को क्या कहते हैं? मुख्य पोषण परत। तो इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से एंडोथीसियम, मिडिल लेयर
और टेपिटम नामक भित्ती परतों का विकास होता है। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार से एंडोथीसियम मिडिल लेयर और टेपिटम नामक भित्ती परतों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भित्ती परतों का विकास। अब जो आंतरिक भित्ती परत बनी थी जिसमें जिसके द्वारा ये है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाएं हैं, आंतरिक जो भाग है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे लास्ट अगले अगले उसमें हिस्से में, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु ऊतक का निर्माण होता है। लघु बीजाणु ऊतक का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु ऊतक कहां पाया जाएगा? लघु बीजाणु ऊतक सभी बीजाणुधानी के केंद्रीय भाग में पाया जाता है। एक दो, लघु बीजाणु जनक ऊतक सभी बीजाणुधानियों के केंद्रीय भाग में पाया जाता है। तो ये पार्ट हो गया भाई पराग कोष के विकास का, यानी एक संपूर्ण पराग कोष की संरचना में क्या क्या भाग होते हैं। एक संपूर्ण पराग कोष की संरचना अगर हम बनाएं तो सबसे बाहर की तरफ है उसमें एपिडर्मिस यानी पराग कोष आवरण, फिर उसके अंदर की तरफ कौन सी परत आ गई, एंडोथीसियम की परत, फिर उसके अंदर कौन सी परत आ गई, मिडिल लेयर, फिर उसके अंदर कौन सी परत आ गई, एपिटम की परत, और केंद्र में कौन सी ऊतक, लघु बीजाणु जनक ऊतक पाया जाता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट एंथर पराग कोष का विकास होता है। तो पराग कोष के विकास का क्रम इस प्रकार का है। तो अगर क्वेश्चन आपके आता है कि पराग कोष के विकास को समझाइए, फुल क्वेश्चन भी आता है इसमें, तो पराग कोष के विकास को एक तो इस चार्ट के माध्यम से समझाएंगे आप, एक आप इस डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे जो कल अपन ने बनाया था ना, वो पूरा डायग्राम बनेगा डेवलपमेंट में, यानी कि ये तीनों संरचनाएं तो बनेगी बनेगी, और फिर इसके आगे पूरे संपूर्ण एंथर की संरचना भी बनेगी। तो अविभेदित एंथर से लेके परिपक्व एंथर तक की संरचनाओं को बनाना होगा। ठीक है, तो यहां तक का ये पार्ट आपके क्लियर हुआ। आप लोग मेरे को किसी कमेंट के माध्यम से ये इंडिकेट करेंगे कि हाँ सर यहां तक का अब हमारा हो गया, तो आप लोग जो है कोई कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर हो गया अब आगे बढ़े। एंथर के डेवलपमेंट का पार्ट है ये, एंथर के विकास का पार्ट है। ठीक है, तो बढ़े आगे। तो ये तो पार्ट हो गया किसका, रिलेटेड हो गया एंथर के विकास का। अब हेडिंग लिखो दूसरा, यानी अगला बिंदु जो है वो किसका हम लेंगे, एंथर के डेवलपमेंट के बाद अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंथर की संरचना, यानी जिसका ज्यादा क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट से भी ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो अगला हेडिंग बनाओ बेटे, पराग कोष की संरचना, पराग कोष की संरचना का हेडिंग बनाओ, और पहले पराग कोष की संरचना को समझ लो। डायग्राम के माध्यम से कल भी हमने समझाया था और थोड़ा सा ब्रीफ करके आज भी हम समझा देते हैं। देखो, हेडिंग आपका हो जाएगा
पराग कोष की संरचना, पराग कोष की संरचना। तो देखो ये जो संरचनाएं हैं ये कैसे दिखेगी हमें इस पाली में, यूं। ये कल हमने बनाया था यूं, यानी एक प्रारूपिक एंथर कैसा है इसकी ये डायग्राम यूं आ जाएगी जैसे अपन डेवलपमेंट बनाए। तो देखो ये इधर का एक हिस्सा है और ये एक इधर का हिस्सा है, ये इससे कहलाते हैं थीकस। थीकस यानी कोष्ठक। तो हम क्या कहते हैं एक प्रारूपिक एंथर कैसा होता है, द्विव कोष्ठीय, पर उसमें बीजाणु धानियां कितनी होती है, चार। तो एक प्रारूपिक एंथर जो है द्विव कोष्ठीय और चतुष्क बीजाणु धानी युक्त होता है। तो चार बीजाणु धानियां कौन सी, एक दो तीन और ये चार। अब इन प्रत्येक बीजाणु धानी, अच्छा इसका एक अपवाद है, अपवाद क्या है, मालवेसी गुड़ल कुल, गुड़ल कुल में एक कोष्ठीय पराग कोष पाए जाते हैं। गुड़ल कुल में कैसे पाए जाते हैं, एक कोष्ठीय पराग कोष, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज में द्विव कोष्ठीय होता है। तो देखो याद, देखो ध्यान दो, ये द्विव कोष्ठीय है, चतुष्क बीजाणु धानी युक्त है। सबसे बाहरी परत क्या हो गई, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस जो कल भी हमने बताई थी आपको, ये एपिडर्मिस और आज भी हमने डेवलपमेंट में बताई है। इसके अंदर ये परतें हैं तीन प्रकार की, एक दो और तीन, एक दो तीन और चौथे प्रकार की अंदर ही अंदर होगी ये। तो बाहर की सबसे बाहरी परत को तो क्या कहते हैं, सबसे बाहरी परत को कहते हैं एंडोथीसियम। अभी बनाया था चार्ट अपन ने, तो एपिडर्मिस के अंदर बनने वाली परत क्या कहलाएगी, एंडोथीसियम। और अंदर की दो परतें क्या कहलाएगी, मिडिल लेयर। क्या कहलाएगी, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर की परत क्या कहलाएगी, टैपीटम। यही सारी चीजें बताई थी। और सबसे अंदर जो है ये है बीजाणु जनक ऊतक, लघु बीजाणु जनक ऊतक। तो एक बीजाणु धानी की संरचना ऐसी है, दूसरी की भी ऐसी होगी, तीसरी की भी होगी, चौथी की भी ऐसी होगी। तो इस प्रकार से देखो ये अविभेदित एंथर है, इससे इन परतों का विकास हुआ और एक परिपक्व एंथर का निर्माण हुआ। तो ये जो चार बीजाणु धानियां, इनके बीच में कौन सा पुतंतु को जोड़ने वाला ऊतक, ये यहां पर ये योजी भी पाया जाता है, ये योजी ऊतक है। और कल अपन ने कहा था ना कि दो बीजाणु धानियों के बीच की ये संधि ये कहलाती है बीजाणु धानी स्फुटन स्थल यानी स्ट्रोमियम, बीजाणु धानी स्फुटन स्थल। तो इस तरीके की ये विभिन्न संरचनाएं हो गई। तो पराग कोष की संरचना में क्या करना बेटा, आपको पराग कोष की संरचना का अगर उत्तर आपको लिखना है तो क्या करेंगे, पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे, पहले तो अच्छे से ये डायग्राम बनाएंगे, यानी इसकी एक एक परत को पूरा क्लियर करेंगे। सबसे बाहर की परत कौन सी, एपिडर्मिस, फिर अंदर की परत कौन सी, एंडोथीसियम, और फिर अंदर की दो परतों से मिलकर क्या बनी, मिडिल लेयर, और आंतरिक जो परत है चौथी परत है उसका नाम क्या हुआ, टैपीटम, और केंद्रीय भाग में जो ऊतक हुआ उसका नाम क्या हुआ, बीजाणु जनक ऊतक। और ऐसा ही इधर है, इधर भी है और इधर भी, और बीच में ये योजी। इस तरीके से ये एक प्रकार का पराग कोष बन गया। अब इसका वर्णन करना है, क्योंकि डायग्राम बनाने के बाद इसका पूरा वर्णन भी करना है। तो वर्णन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसकी सबसे बाहरी परत से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेंगे एपिडर्मिस,
तो पहले एपिडर्मिस के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, मिडिल एट, एपिडर्म, इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा अपन को। तो अब हम लिखेंगे ये डायग्राम, आप बना लो पहले, तो कल भी हमने बनाया था, आज और बना लो इसको। तो इस तरीके से जब तक मैं इन बच्चों के कमेंट्स पढ़ता हूं, अभिषेक ने पूछा बेटा जूलॉजी की क्लास कब होगी, तो बेटा जल्दी करेंगे, एक बार पहले थोड़ा ग्रुप बन जाए बच्चों का तो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ही कर देंगे शुरू। और ये है कलराज, इसने पूछा बीएससी सेकंड ईयर का टाइम कितने बजे है। बेटा इसके बाद होगा, यानी 3:15 बजे, 3 बजे से, 3 बजे से सेकंड ईयर का टाइम होता है। आपको बता दें बेटा, सारा टाइम टेबल ही बता देते हैं। देखो केमिस्ट्री की क्लासेस जो आपकी होती है 10:30 बजे से, तो फर्स्ट ईयर की, फिर इसके बाद 11:45 बजे से सेकंड ईयर की, 1 से 2 थर्ड ईयर की होती है। ये तो केमिस्ट्री के टाइम टेबल है। और केमिस्ट्री के बाद बॉटनी के टाइम शुरू होते हैं, ये तो केमिस्ट्री के हो गए। बॉटनी में 2:15 से 3:15 टाइम रहेगा किसका, थर्ड ईयर का। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा कम पढ़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा 3 बजे भी छोड़ देते हैं, आगे ग्रुप हो जाएगा तो लंबी पूरी क्लास लेंगे। 3:15 से और 4:15 जो है ये सेकंड ईयर का टाइम होगा और होता है अभी, और 4:15 से 5:15 बजे तक ये फर्स्ट ईयर का टाइम है, ये टाइम रहेगा बेटा। बॉटनी का टाइम है 2:15 बजे से शुरू होता है, पहले थर्ड ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर फर्स्ट ईयर, इस तरह की व्यवस्था है। बेटा YouTube पर पूरा सिलेबस नहीं कराएंगे, सिलेबस तो पूरा ही कराएंगे लेकिन ऑनलाइन कराएंगे। अभी YouTube की जो क्लासेज हैं शुरू शुरू में, YouTube पर भी है, हमारे विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर भी है। तो विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, पुराने वीडियो, वो इकट्ठे आपको वहीं मिलेंगे विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर, और वो आपके पास हमेशा रहेंगे। YouTube की क्लासेज आपके पास हमेशा नहीं रहेगी, YouTube की क्लासेज अभी शुरू शुरू में हम YouTube पर दे रहे हैं। अब आगे जब जैसे ही थोड़ा सा 2-4-5 दिन की क्लासेज हो जाएगी, फिर ये ऐप पर ही चलेगा, ठीक है। और ये बालक पूछ रहा है फीस कितनी है बॉटनी की, तो बेटा वो बाकी सब्जेक्टों की तरह ये भी वही 1,040 रुपए है पेपर की, एक पेपर की फीस जो है 1,040 रुपए है। वो सब उसमें आपको ऐप में मिल जाएगी सारी डिटेल्स, सिलेबस वगैरह, और ये सारी चीजें जो है आपको ऐप में मिल जाएगी, और ऐप से ही पेमेंट हो जाएगा। यानी कि जैसे विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड करते हैं, तो उसमें आप अपने फोन नंबर और अपनी इंफॉर्मेशन डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने पर आपके नाम के नीचे कोर्स का एक पट्टी आता है, उस पट्टी पर क्लिक करके आपका रिलेटेड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो और उसकी क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो। उसके नीचे कुछ बैनर्स आते हैं जिन पे बाय नाउ लिखा हुआ होता है, उनसे आप कोर्स खरीद सकते हो। तो वो सारी चर्चा अपन बाद में क्लास के बाद कर लेंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो ऑफिस के नंबर पे फोन करके पूछ लिया करो, ठीक है। तो बना लिया डायग्राम आपने, अब हम इसकी संरचना का उल्लेख करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो क्या है,
आपको सबसे पहला बिंदु क्या लिखना है, इस एपिडर्मिस से भी पहले एक प्रारूपिक एंथर कैसा होता है, तो सबसे पहला बिंदु लिखो एक प्रारूपिक पराग कोश द्विव कोष्ठीय चतुष्क बीजाणु धानी युक्त होता है। पराग कोश की संरचना में पहला बिंदु क्या लिखेंगे बेटा, पराग कोश की संरचना में पहला बिंदु लिखेंगे एक प्रारूपिक पराग कोश द्विव कोष्ठीय चतुष्क बीजाणु धानी युक्त होता है। चतुष्क बीजाणु धानी युक्त होता है, ठीक है। लेकिन अपवाद भी लिखेंगे, अपवाद मालवेसी कुल में, मालवेसी अर्थात गुड़हल कुल में पराग कोष एक कोष्ठीय होते हैं। पराग कोष कैसे होते हैं, एक कोष्ठीय होते हैं। तो एक सामान्य पराग कोष की विशेषता लिख दी आपने, क्या लिखी आपने, एक सामान्य पराग कोष द्विव कोष्ठीय चतुष्क बीजाणु धानी युक्त होता है, जबकि अपवाद मालवेसी कुल यानी गुड़हल कुल में पराग कोष एक कोष्ठीय पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो एक सामान्य बात हो गई। अब इसकी डिटेल संरचना लिखनी है अपन को, और आगे एपिडर्मिस के बारे में भी लिखना है, एंडोथीसियम के बारे में भी लिखना है, इन सब के बारे में अगली क्लास में यानी मंडे को, मंडे को हम पराग कोष की संरचना लिखवाएंगे, इसको आगे डिटेल से विस्तार से लिखवाएंगे। तो आज तो हम यहां तक ही पढ़ेंगे, बाकी जो है अपन अगली क्लास में मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।